नमस्कार नीतू के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए चिकन का एक बहुत ही अलग तरीके का रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाने के लिए देखिए मैं पानी का गन चढ़ाई हूँ, जब पानी बॉयल हो रहा है तो चलिए मैं इसको अब स्टार्ट करती हूँ बनाना। देखिए एक चम्मच सौंफ को डालूँगी। देखिए पानी बॉयल होते समय आप इसको सबको डालना है। सौंफ को डाल दी, खड़ा धनिया एक चम्मच और जितना भी खड़ा गरम मसाला है उसको डालना है। जैसे ये है तेज पत्ता, 3 तेज पत्ता मैं डाल रही हूँ, एक बड़ी इलायची जावित्री, 2 छोटी इलायची, दालचीनी, देखिए 2 स्टिक दे रही हूँ, और लौंग 4-5 और थोड़ा सा गोल मिर्च। सबको इस पानी में डाल दी हूँ और स्वाद अनुसार नमक दूंगी। मैं 1 किलो चिकन बना रही हूँ, इसमें नमक दे दी हूँ, थोड़ा सा और दे देती हूँ। उसके बाद चिकन को देखिए मैं साफ करके रखी हूँ धो के, अब इसको सारे को मैं इसमें डाल दूँगी। इस समय आप आँच को थोड़ा धीमा कर दीजिए, उसके बाद सारे पीस को आप इसमें डाल दीजिए। देखिए जब इस टाइप से उबलने लगे तब इस टाइप का प्याज, आप एक प्याज को 4 टुकड़ा करके इसमें आप डाल दीजिए। देखिए चिकन बॉयल हो रहा है, अब इसका गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ और इसको मैं ऐसे छान लूँगी, इसमें एक बर्तन में इसको निकाल लूँगी। तो देखिए पैन अब गर्म हो गया है अच्छे से, अब इसमें मैं बटर डाल देती हूँ। 3 क्यूब मैं बटर डालूँगी इसमें और इसी में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं और इसमें जो बॉईल करके चिकन को रखी हूँ उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से थोड़ा देर भून लेंगे। ये तो ऑलरेडी ऐसे भी पक गया है, तो इसमें अगर आप इसको भूनेंगी तो इसका कलर इतना सुंदर आएगा ना, तो बस मैं इसको कलर के लिए थोड़ा सा भून देती हूँ। और जो मैं इसमें प्याज दी हूँ उसको अलग कर देती हूँ, जब मसाला भूनूंगी तब इसको इसमें डालूंगी। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें तेल डाल रही हूँ मैं, सरसों तेल में इसको बनाऊंगी। सरसों तेल में क्या होता है कि इसका फ्लेवर एकदम खिल के आता है। और गैस का एकदम आँच को आप हाई कर दीजिए। तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं 1 चम्मच से भी कम थोड़ा सा शक्कर डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कलर बहुत अच्छा होता है, आप ये मत सोचिएगा कि मीठा हो जाएगा। अब इसमें मैं प्याज को डाल देती हूँ। लहसुन 2 चम्मच, अदरक 1 चम्मच दे दीजिए, देखिए इस टाइप से। और इसी समय सारा सूखा मसाला भी डाल देंगे। देखिए धनिया पाउडर 1.5 चम्मच में ली हूँ, ये लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच और ये भुना जीरा है। देखिए आप इस तरीके से अगर बनाएंगी तो यकीन मानिए इतना टेस्टी ये चिकन बनेगा कि आप इसको बार बार बनाएंगे। और ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इस सबको अच्छे से भून लेना है। तब तक मेरा चिकन भी उधर हो गया है, अब मैं उसको छान लूँगी। चिकन को छान के उसके पानी को फिर मैं इसी में यूज़ करूँगी। इसको मैं दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और मसाले वाले को इधर ले आती हूँ। देखिए मसाला पूरा भून गया है अच्छे से। अब इसमें मैं 2 टमाटर को देखिए पीस के प्यूरी बना के रखती हूँ, इसको डाल देती हूँ। और इसी में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। देखिए चिकन का मसाला हो गया है, अब इसमें मैं चिकन को डाल देती हूँ। देखिए मेरा चिकन भी हो गया है, चिकन देखिए ऐसा हो जाएगा है ना। अब इसमें मैं सारे मसाले को डाल देती हूँ। अब चिकन को अच्छे से मसाले में भून लेती हूँ और चिकन का जो पानी निकला था जो मैं उबाली थी उसको इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के भूनते जाऊँगी। थोड़ा नमक दे रही हूँ और जो उसमें मैं प्याज डाली थी उसको भी इसमें डाल दी। इसको बीच बीच में चलाते रहिए, पूरा पानी को इसको सुखा देना है ना। और इसमें थोड़ा सा और पानी बचा उसको भी डाल देती हूँ मैं और बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे लगने का डर रहता है। अब फ्लेम को हाई रहने दीजिएगा, इसको ढक दीजिए। देखिए इसको देखते हैं,
इसमें देखिए बहुत सारा पानी है और पूरे पानी को इसका सुखाना है। तो अब इसको ढकते नहीं है, नहीं तो पूरा चिकन मेरा गल जाएगा। तो अब इसको एकदम ऐसे ही भून लेते हैं, चलाते रहिएगा नहीं तो नीचे लगने का डर रहता है। देखिए कलर कितना अच्छा आया है, अब इसको देख के मुँह में पानी तो आ ही रहा होगा। इतना पानी हो जाए ऐसा गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा ना, जब ऐसा हो जाएगा देखिए, अब देख के लग रहा है इसका पूरा पानी जल गया है, और देख के तो एकदम मुँह में पानी भी आ रहा है। ये देखिए इस टाइप से जब हो जाएगा तो आप गैस का फ्लेम को कम कर दीजिए और इसमें एक चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए। गरम मसाला डाल के मिला दीजिए और इसको ढक दीजिए, बस 2 मिनट ढकना है। देखिए अब इसमें मैं इसके ढक्कन को हटा देती हूँ, अब मेरा चिकन रेडी है। अब इसको अच्छे से एक बार सुंदर से मिलाइए। अब मुँह में पानी आ रहा हो तो उसको रोक लीजिए। देखिए कितना अच्छा मेरा चिकन बना है, देख के लग रहा है आह कब खाऊं। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती दे देती हूँ और इसमें थोड़ा सा क्रीम दे देती हूँ, उसके बाद गैस को बंद कर दूँगी। ये है आज नीतू का स्पेशल चिकन, तो ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अब बनाइए जैसे जैसे मैं बताई हूँ उस टाइप से, अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही चिकन बनेगा और खा के मज़ा आएगा। तो जब खा लेंगे तब मेरे को आप कमेंट कीजिएगा।